Yo, what's up guys, welcome back to another gameplay video। तो guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो guys, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा हूँ। guys, ये वीडियो काफी ज्यादा बजट के अंदर बनी है, क्योंकि guys, इस वीडियो के अंदर आज हम 5 यानी के लेम्बोर्गिनी कार यानी कि महंगे कार कलेक्शन हमारे पास आने वाले हैं, और वो भी भाई महंगे इसलिए होने वाले हैं। एक तो मोस्ट एक्सपेंसिव ये कार होती है भाई लेम्बोर्गिनी, ये मोस्ट एक्सपेंसिव कार है। इसके साथ साथ ये जो कार है वो गोल्ड की कार होने वाली है। गाइस, पांचों कार हमारी गोल्ड की होने वाली है, और गोल्ड की कार कहाँ से आने वाली है, कौन लेकर आने वाला, किसकी होने वाली है, तो गाइस ये सब काम को अभी बताने वाला हूँ। तो गाइस जल्दी से मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको देखने को। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। तो गाइस ये लेम्बोर्गिनी जो 5 हमारे पास आने वाली है, और वो पांचों जो गोल्ड की कार होने वाली है। गाइस ये जो कार है लेकर आने वाला है माइकल, और गाइस ये हमारे पास एयरपोर्ट पे लेकर आएगा, हमारे खुद के पर्सनली एयरपोर्ट पे, यानी कि जो मैं अभी मेरा करैक्टर यूज करने वाला हूं वो होने वाला ट्रेवर का करैक्टर। और गाइस ट्रेवर के पास लेकर आएगा माइकल पांच लेम्बोर्गिनी, और वो पांचों गोल्ड की होने वाली है। ये भाई अपने मर्जी से लेकर नहीं आ रहा, इसका एक रीजन है। गाइस ये जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, गाइस इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तब जाके आपको इस वीडियो को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं भी देख रहे तो भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, बट परमानेंटली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया जब आप इस वीडियो को देखोगे। तो गाइस ये वीडियो के अंदर हमने करा क्या था, बहुत ही बड़ी रोबरी करी थी माइकल ने, और अपनी टीम के साथ गया था लेस्टर ने, प्लान बनाया था कि भाई रोबरी करेंगे, और इस तरीके से मैंने कि बहुत ही बड़ी ज्वेलरी स्टोर था पूरे यानी पूरे GTA 5 का, और वहां पर हमने क्या करा था भाई 49 करोड़ की हमने क्या करा था, $49 करोड़ की गाइस हमने रोबरी करी थी। और जब हमने रोबरी करी थी वहां पे पुलिस वगैरह आई थी, तो हमारे पास जो पुलिस वगैरह पूछने के लिए आई, क्योंकि हमारे कैमरे के अंदर उनको कुछ शक वगैरह हुआ, तो हमने क्या करा सीधा ट्रेवर के ऊपर नाम डाल दिया। तो गाइस ये मतलब जो भी वीडियो में आपको बता रहा हूं उसके अंदर पूरा साफ जाहिर हो रहा है कि उसके अंदर बताया, और ट्रेवर को ये जब जो है न्यूज के ऊपर चला ना ट्रेवर की फोटो दिखा रहे हैं कि यार रोबरी इसने करी है, तो ट्रेवर को बड़ा गुस्सा आया, और ट्रेवर को जब पता चला कि नाम ये जो डाला है यानी कि जिसने ब्लेम डाला ये था माइकल, तो गाइस इसकी वजह से जो है ट्रेवर को बड़ा गुस्सा आया, और ट्रेवर जो है ना यानी वीडियो के अंदर जो मतलब इसके अंदर नहीं हुआ था दूसरी वीडियो के अलावा, इसको जो नेक्स्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी तो उसके अंदर क्या करा ट्रेवर जो सीधा पहुंच गया माइकल के घर के ऊपर, और भाई वहां से यानी कि अपना गांव छोड़ के सीधा शहर के अंदर आया, और ये सफर काफी ज्यादा हमारा हेवी रहा था। और गाइस इसकी वीडियो भी आपको जो है मेरे यानी कि वीडियो सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। और गाइस इसके अंदर करा क्या था कि माइकल के घर पे जब वो आया, तो उसने भाई माइकल को डराया, पूरी फैमिली को धमकाया, मारने की धमकियां दी। तो गाइस इसकी वजह से क्या करा गया भाई माइकल की लड़की को भी बोला भाई मैं इसको अपनाऊंगा इसको, क्योंकि जब इसके घर पे आया तो भाई ट्रेवर को जो है ना इसकी बेटी भी पसंद आ गई थी ट्रेसी, यानी कि माइकल की लड़की ट्रेसी भी पसंद आ गई। तो गाइस ये सीन काफी ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रहा था, मतलब काफी ज्यादा डीप के अंदर गेम जाते जा रहा था। तो गाइस इसलिए क्या करा गया भाई ट्रेवर ने शर्त रखी मैं तेरे को छोड़ दूंगा, या तो तेरे को मारूंगा तो छोड़ूंगा, माइकल ने शर्त रखा मतलब किस तरीके से छोड़ेगा, तो भाई ट्रेवर ने बोला कि सीधा 5 कारें लूंगा, और वो भी 5 जो है गोल्ड की कार होने वाली। तो गाइस ये जो कार होगी आज हमारे को डील मिलने वाली है, इसके इस यानी के काम को हमने बोला हुआ था काफी टाइम हो गया था, क्योंकि इसको पता था ये भाई माइकल के पास इसका खुद का पर्सनली शोरूम है, तो गाइस इसी वजह से हमने ये डील रखी थी। और गाइस ये डील लेकर आने वाला आज माइकल, और हमारे एयरपोर्ट पे हो सकता है कि लेकर आ भी गया हो या पता नहीं अभी लेकर आने वाला, क्योंकि आज की जो डेट और जो टाइम हमने उसको दिया था उस डेट में उसको पहुंचना था, वरना तो भाई उसकी आज मौत होने वाली थी भाई सीधा। तो गाइस अभी जाते हैं हमारे खुद के पर्सनली एयरपोर्ट में जो हमने अभी परचेज किया हुआ, तो गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो अभी हम आ गए अपने गेम की तरफ, और गाइस फटाफट से मैं जाता हूँ। सबसे पहले तो गाइस मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करूँगा। गाइस आप सभी को मालूम होगा ये मेरा भाई पुराना घर है, और अभी नया घर तो आप सभी ने देखा भी होगा, काफी टाइम पहले हमने अपना नया घर लिया था, और इसके अंदर भाई ये क्या हालत करी हुआ भाई इन लोगों ने, अब तीन में भूतने वाला रोन यहाँ पे बैठ के आराम कर रहा है अपना घर छोड़ के, मेरे घर में क्या कर रहा है ये, ओ भाई साहब अब पूरे कमरे की बैंड बजा रखी है यार इसने तो, शिट यार अब यहाँ से मेरे को थोड़े बहुत कपड़े चेंज करना पड़ेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे कपड़े ना भी हों, क्योंकि जब मैंने अपना घर शिफ्ट किया था गाइज मैंने अपने शहर के अंदर माइकल के घर के पास ही, तो गाइज यहाँ से मैं सारे ड्रेस वगैरह जितने ही मेरे क्लोथ थे यानी कि जितने भी मेरे जितने भी स्टाइलिश कपड़े थे सारे मैं वहाँ पर ले गया, तो यहाँ पर मेरे को अभी इतना कुछ अपना कार कलेक्शन और क्लोथ कलेक्शन दोनों नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन कार कलेक्शन तो गाइज अपने यहाँ पर अभी खड़ा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से। तो फटाफट से पहले मैं बाहर निकलूँ, और भाई यहाँ से मेरे को कपड़े अच्छे मिले नहीं है, सिर्फ एक शूज़ ही मिले जो मेरे से थोड़े बहुत मैचिंग के हो रहे हैं ब्लू कलर के हैं। तो गाइस यहाँ पर रोन का हमने रखा हुआ है यानी कि ये जो घर का ध्यान वगैरह रखता है मेरा, और काफी ज्यादा डेंजर हालत हो रही है मेरे घर के, लेकिन इस डेंजर घर के अंदर भाई मैं आपको अपनी सुपर कार दिखाने वाला हूँ अभी फटाफट से। गाइस यहाँ पर अभी आगे देखो भाई ये हमारी सुपर कार, और गाइस ये लेम्बोर्गिनी वालों की, और हो सकता है कि भाई इस टाइप की कोई ना कोई कार हो सकता है वहाँ पर आने वाली है, और भाई ये हमारी मैकलरन, और देखते हैं भाई इसके ड्राइवर भाई इसके अंदर नहीं बैठना था यार ये कैसे निकलेगी इसको, बल्कि पीछे वाली को निकालना पड़ेगा। तो गाइस ये दोनों सुपर कार हैं, और दोनों की जो हमने इंजन जो है ना अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करवाया, और इसके इंजन भी जो फुल पावर वाले लगे हुए हैं, और इसकी स्पीड भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और अभी इसकी स्पीड कितनी होने वाली है। तो गाइस ये देखो इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है, और आवाज़ देख रहे हो यार इसका साउंड सुनकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने को मिल रहा है,
वाह यार ये देख ऐसे लग रहा है जैसे हम ही देख रही है इसकी आंखें। तो गाइस जहाँ से अभी हम फटाफट से जाते हैं सीधा एयरपोर्ट के ऊपर और एयरपोर्ट पे जाकर देखते हैं भाई हमारी गोल्ड की कारों की डिलीवरी को। और भाई एयरपोर्ट पे जल्दी से फटाफट से लोकेशन लगाने वाला हूँ और एयरपोर्ट की लोकेशन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमें एयरपोर्ट का पता नहीं चलेगा भाई यहाँ पर है अभी हमारा एयरपोर्ट। वैसे तो मेरे को मालूम है लेकिन आप सभी को भी मालूम होना चाहिए कि भाई एयरपोर्ट इस जगह पर है। तो फटाफट से अभी हम एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचते हैं। अब भाई एयरपोर्ट की लोकेशन नहीं लगाई है कहीं और ही लगा दी लोकेशन, तो गलती से भाई यहाँ पर गलत जगह लगा दी है। तो चलो भाई यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ निकलते हैं, वैसे तो खैर मेरे को एयरपोर्ट मालूम ही है। तो चलो जल्दी से अभी फटाफट से यहाँ से निकलेंगे और राइट साइड पे जाके राइट साइड से लेगा सीधा एयरपोर्ट का रास्ता निकलना। तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा इजी है भाई यहाँ से जो है वो ट्रेवर का जो पुराना घर है ना यहाँ से तो भाई रास्ता हमारे एयरपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा करीब है। और ये जो मैंने वीडियो बनाई थी इसके अंदर इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा पूरे एयरपोर्ट में हमने पूरा पे कब्जा कर लिया था और इसकी वीडियो का भी आपको वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने को मिलता रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। भाई ओ भाई यहाँ पर आई भाई हमारा ट्राला आया हुआ है भाई, ये ट्राला लेकर आया हुआ मैं के लिए खड़ा हुआ तेरे में भूतनी वाले तू लेकर आ गया। और काफ़ी ज़्यादा उदास खड़ा हुआ इसको पता है भाई ट्रेवर गुस्से के अंदर रहता, ट्रेवर मारेगा ये बहुत इसको सब मालूम है। तो यहाँ पर भाई लेकर अभी किसी से बात करना में लगा हुआ, तू बात करते रहे तेरी में भूतनी वाला है तेरा ट्राला लेके अभी जल्दी से। तो गाइस ये ट्राला भी जो है ना इसी का ही अपना नहीं है तो ट्राला भी साथ लेकर आया, वरना तो भाई कारों को कैसे लेकर आया। चेक करते हुए हमारी कितनी कारें लेकर आई हो भाई, सारी लैम्बोर्गिनी लेकर आया और सारी गोल्ड की कार है यार ये बिल्कुल हमारे एयरपोर्ट के अंदर जाके इनने खड़ी करी है, लेकिन इनने हमारा एरोप्लेन पता नहीं कहाँ जाके खड़ा करा है भूतनी वाले ने। तो चलो यार एरोप्लेन से ज़्यादा महंगी कार कलेक्शन का कलेक्शन है मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पर। और चलो भाई देखते हैं इसको बाहर लेके जाते हैं फटाफट से। और भाई ऐसा लग रहा है इसकी आंखें देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, और क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल ज़बरदस्त लग रही हैं देखते हुए ना। तो इसको फटाफट से भाई हमारी हमारे इस होलर के अंदर लोड कराता है इसको, फटाफट से भाई इसको चढ़ाते ऊपर। भाई देखो भाई रोशनी के अंदर देखने का इसको और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फुल गोल्ड की हो रही है और चमक रही है भाई, धूप की रोशनी पड़ रही है ना इस पर तो और ज़्यादा शाइनिंग मार रही है। तो फटाफट से अभी मैं अपने होलर का जो रैंप है ऊपर वाला उसको थोड़ा नीचे करूँगा क्योंकि मेरे को ऊपर वाले पहले ऊपर वाले के ऊपर तीन कारें चढ़ेंगे और नीचे वाले पे दो कारें चढ़ाऊंगा। तो फटाफट से पहले मैं इसको जो है ना क्या करूँगा नीचे करता हूँ फटाफट से भाई, इसको यहाँ से इसको रिलीज़ करना पड़ेगा, हाँ इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो चलो भाई ये मेरा नीचे हो गया और फटाफट से अभी मैं उतरता हूँ और अपनी कार को लोड कराने के लिए मैं सीधा जाऊँगा अपनी कार को लोड कराने। और भाई मेरा हेलीकॉप्टर मेरा सामने खड़ा हुआ है क्योंकि मेरा खुद का एयरपोर्ट है ना, तो इस पर इतना ज़्यादा कुछ मतलब काम होता नहीं है। एयरपोर्ट पर ऐसे मेरा पर्सनली एयरपोर्ट है, यहाँ से मैं अपना एरोप्लेन वगैरह लेकर सीधा फ्लाई करना होता तो इतना ही काम हो सकता है इसके ऊपर। और इसके अलावा एक और एयरपोर्ट है यहाँ पर करीबी के अंदर, उसको भी मैं परचेस करने वाला हूँ लेकिन उसको भी भाई ट्रेवर ही परचेस करेगा। इसके अलावा तो अभी किसी और के पास इतना माल पानी तो अभी है नहीं फालतू। तो भाई अभी चढ़ क्यों नहीं रही है, ओहो अभी इसका बम्पर लग रहा है यार, इसका बम्पर लग रहा है शिट यार, थोड़ा स्पीड के अंदर लेके जाते हैं देखते हैं कि इसका बम्पर भाई चढ़ जा तेल में भूतनी वाला चढ़ जाइए और बम्पर नहीं लगना चाहिए। और हो अबे तेल में भूतनी वाला बम्पर लगना है यार शिट, अबे इसने कैसे चढ़ा के लिया था भूतनी वाला, ये हमसे चढ़ ही नहीं रही, इसने कैसे चढ़ाई समझ से आ रही है। अबे चढ़ जा, अबे चढ़ क्यों नहीं रही है, वाह तेरी भाई साहब पूरी गाड़ी की बैंड बज रही है यार। ओ भाई माइकल उस्ताद यार मेरी गाड़ी लेके चल दिए, ले भाई माइकल भी बड़ा हरामी है यार, माइकल मेरी गाड़ी उठा के ले गया यार जिसके अंदर मैं आया था, अपनी गोल्ड की कारें देकर जा रहा और मेरी खुद की गाड़ी भी ले गया है और इसने मेरा एक एरोप्लेन भी गायब कर दिया। इसको भूतनी वाले से इससे निमटना पड़ेगा, काफ़ी नुकसान पहुंचाने में लगा मेरे को। तो गाइस मैं अभी इसको छोड़ता इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं अभी जल्दी फटाफट से क्या करूँगा मैं यहाँ से वाली गाड़ी को उठा लूँगा और जो इसको लेकर मैं इसको पर लोड करूँगा फटाफट से भाई, इसको भी लोड करेंगे और भाई इसको लेकर जाने वाला और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ भाई मेरे को। ये सारी जो है ना भाई अपना यानी कि मेरा जो शोरूम है ना अभी वो भी चमचमाएगा भाई, गोल्ड की जो कारें जब खड़ी हुई होती है ना दूसरे लोग भी बोलते हैं भाई कौन आ गया अमीरदार पार्टी भाई यहाँ पर। अभी हमने अभी जो नई सिटी है उसके अंदर अभी हमने नया नया घर ही परचेस किया और वहाँ पर आते लोग बोलेंगे जब हमारा ट्राला वहाँ पर जब उतरेगा तो लोग देखेंगे भाई अबे भाई ये अमीर लोग कहाँ से आ गए अभी, और घर इनका काफ़ी ज़्यादा छोटा लेकिन ये कार कलेक्शन इनकी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो उनको ये नहीं पता भाई ये धमकी देकर कारों को मंगाया गया है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भाई ब्लैकमेलिंग चल रही है अपनी। तो भाई अभी फटाफट से इसको अभी हम फिक्स करेंगे इस कार को ताकि ये गिरे नहीं, तो इसको यहाँ पर अभी हम ऊपर टॉप के ऊपर जाके इसको हमने खड़ा कर दिया। तो भाई यहाँ पर अभी हमारी लैम्बोर्गिनी सियान फिट हो गई है और हमारे पास जो कार कलेक्शन है इसके अंदर से लैम्बोर्गिनी सियान है और इसके अलावा लैम्बोर्गिनी सेंटनारो जो अभी बाहर खड़ी हुई है लैम्बोर्गिनी सेंटनारो, और इसके अलावा ये जो हमारी है और ये है टेरानेटो। और गाइस ये जो गाड़ी है ना भाई ये काफ़ी ज़्यादा हमारी फेवरेट कार है और इसकी स्पीड जो है ना फुली स्पीड है और इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी इंजन इसके अंदर ऑटोमेटिकली लगा हुआ था, पहले से जो इसका इंजन है ना काफ़ी ज़्यादा हैवी लगा हुआ था, हमें इसको अपग्रेड कराने की जरूरत ही नहीं है। तो इस गाड़ी को अभी हम फटाफट से ऊपर चढ़ाते हैं और भाई लेके जाते हैं। अबे भाई रैंप क्यों ऊपर जा रहा है यार ये, अबे रैंप तू तो नीचे हो जा, अबे यार ये साला रैंप का चक्कर आ गया अभी यार, मैं वापसी जा ट्राले के अंदर इसको उछल के जो है ना साले को फिट करना पड़ेगा, नीचे हो जा तेरी में भूतनी वाले।
तो लग रहा है कि नीचे है शायद, क्या अभी फटाफट से चलो इसको अभी ऊपर चढ़ाते हैं और देखते हैं भाई आसानी से चढ़ जाए, साला पंगा नहीं कर दे यार ये। जाने दे ओ भाई साहब, सही है जा रही है भाई, चढ़ गई। अब नीचे नहीं आ, चढ़िया बे तेरी में चढ़ जा यार। अबे यार ये तो चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, थोड़ा नीचे ला के अब स्पीड में चढ़ा। हाँ ठीक है भाई, अब चढ़िए, काफ़ी देर में चढ़ी है साला भाई। लैम्बोर्गिनी सेंटनारो का जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, तो इसलिए भाई इसके अंदर आ नहीं रही थी वो थोड़ी मेरी गाड़ी की जो है ना भाई, मेरे गाड़ी के अंदर थोड़ा साइड हो सकता है झड़ भी गई हूँ, तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी साइड झड़ेगी ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो गाइस इसको अभी हम मिडिल के ऊपर भाई इसको फिट करते हैं ताकि ये भी गिरे नहीं है। तो चलो भाई यहाँ पर हमारी टोरंटो भी यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, और इसके अलावा अभी हमारी आती है भाई लैम्बोर्गिनी चौथे नंबर पे, देखते हैं भाई कौन सी है। और भाई ये है लैम्बोर्गिनी वेनेनो, और भाई इस वेनेनो के अंदर देखते हैं भाई क्या लुक आने वाला है भाई ज़बरदस्त। गाइस ये देखो लैम्बोर्गिनी वेनेनो का अभी हम फटाफट से ऊपर चढ़ाने वाले हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा चोरी लग रही है, चढ़ते हुए पंगा नहीं कर दे ये भाई। ठीक है, ओ भाई पंगा कर रही है ये। इसके रैंप का थोड़ा सा मसला हो रहा है यार, ये इसको थोड़ा सा स्पीड दे के फिर लेकर जाऊँगा ऊपर की तरफ जो है ना, थोड़ा सा ब्रेक। अब ठीक है यहाँ से, ओ भाई साहब थोड़ी झड़ गई यहाँ साइड के अंदर, झड़ गई है इसको साइड में, झड़ना था क्या साली को अभी, भूतनी वाली को ये भाई। इसको अभी इस जगह पर फिट कर देंगे ताकि ये भी गिरे नहीं है। तो भाई अभी इसको भाई यहाँ पे फिक्स करेंगे लास्ट के अंदर, और जल्दी से मैं इस जगह पर आकर फिक्स करूँगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी नीचे आ रही है ये, इसको जल्दी से फिक्स करूँगा। चल मेरा भाई यहाँ पर हमें तीसरे नंबर के ऊपर भी अपनी गाड़ी को फिट कर दिया, और भाई जल्दी से अब मैं जाऊँगा अपनी पाँचवीं गाड़ी को लेने, और भाई पाँचवीं गाड़ी बल्कि सबसे पहले तो मेरे को रैंप ऊपर करना पड़ेगा, और भाई ये बल्कि लैम्बोर्गिनी वेनेनो सालों ने अंदर आगे की तरफ नीचे की तरफ आगे लाके फिट करिए साले भूतनी वाले हरामी यार। ये देखो आगे की तरफ ले आई है, बीच वाला रैंप इन्होंने खाली कर दिया, ढक्कन उन्होंने सालों ने क्या कर दिया यार ये। चलो ठीक है भाई, ये तो शुगर है कि भाई यहीं पर गाड़ी खड़ी हुई है, पता चला यहीं से इन्होंने गाड़ी गायब कर दी। तो भाई अब फटाफट से मैं जाऊँगा अपने बल्कि रैंप को ऊपर करने के लिए, और रैंप को बाद में ऊपर करूँगा, पहले तो मैं इस गाड़ी को लेकर आऊँगा और देखते हैं भाई ये गाड़ी हमारी कौन सी। और भाई ये है हमारी लैम्बोर्गिनी, ओ भाई ज़ोंटेनेरो, ओ भाई ज़बरदस्त यार, ये गाड़ी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा सुपर लग रहा है मेरे को तो, और ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा भाई सुपर कार है। और भाई ये देखते हैं भाई इसको भाई यहाँ पे फिट करते हैं, और देखते हैं भाई ये यहाँ पर फिट हो गया तो आसानी काम हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पे इसको लास्ट के अंदर लाके फिट करेंगे जगह ऊपर एमपीटी के ऊपर, यहाँ पे फिट कर देते हैं इसको भाई इस जगह पर, ठीक रहेगा ये। अबे नीचे नहीं आया यार, ऊपर हो गया, ठीक है भाई यहाँ पर ये भी फिट हो गई है भाई, जेनेरो भी फिट हो गई है हमारी, और जल्दी से मैं इसको क्या करूँगा रैंप को ऊपर करूँगा ताकि हमारी जो लैम्बोर्गिनी सेंटनारो है ना उसको भाई हम अपनी दूसरे नंबर वाली रैंप के ऊपर ला के रहेंगे, यानी फर्स्ट के ऊपर ही रखेंगे। तो भाई इसको जल्दी से फटाफट से ऊपर की तरफ करता हूँ भाई, यहाँ से इसको क्या करना है, इसको नहीं करना भाई, इसको ही करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है इसके ऊपर इसको जल्दी से ऊपर कर देते हैं। और ये यहाँ से भाई हमारी ऊपर हो चुकी है अच्छी तरीके से, यहाँ पर हमने इसको ऊपर कर दिया, और अब फटाफट से मैं क्या करूँगा जल्दी से उतरूँगा और भाई नीचे अपनी गाड़ी को एक को पार्क करूँगा। हमारी चार गाड़ियाँ तो भाई इसके अंदर पार्क हो चुकी हैं, और भाई चारों गोल्ड की हैं, और अभी जब मैं इसको अपने शोरूम के अंदर लाइन से लगाऊंगा तो यार ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ये सारी कारें। और अभी इसके अलावा हमारी जो एक वीडियो और आने वाली जिसके अंदर भाई ट्रेवर जो सारी प्रॉपर्टी को परचेज़ करेगा, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी माइकल ने परचेज़ करी और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है फ्रैंकलिन ने परचेज़ कर लिए हैं। तो गाइस अब बारी है ट्रेवर की प्रॉपर्टी की परचेज़ करने की, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ट्रेवर खुद परचेज़ करेगा, तो इसलिए जो है भाई यहाँ पर थोड़ा भाई इसके पास भी दब होना चाहिए भाई ट्रेवर के पास, कि हाँ भाई इसकी भी कुछ जगह है जो परचेज़ कर सकता है ये। तो फटाफट से अभी हमारी जो क्या करेंगे इसको भाई इस जगह मिडिल के ऊपर फिट करेंगे इसको फटाफट से, यहाँ पर टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि भाई अचानक जो है ना पता चला गेम पागल हो गया। गेम तो कह रहा है सारी से पागल नहीं होता भाई, बाद सीन ऐसा हो जाता है कि जब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम चल रहा होता है ना तो लाइट चल जाती है या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब फटाफट से मैं क्या करूँगा इसको लेकर जाऊँगा और अभी हमारे रैंप को बंद करूँगा, और रैंप को बंद करने के लिए यानी कि जो पीछे हमारा रैंप है जिसके ऊपर हमने गाड़ी को ऊपर चढ़ाया था, तो इसको जो है मैं बंद करूँगा, और बंद करने के लिए भाई हमें यारा बटन दबाना पड़ता है भाई, ये ऊपर वाला था ना शायद, हाँ भाई यही वाला था, इसी को आप जल्दी से दबा लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट करें। तो जो गाइस यही वाला है, और फटाफट से अभी हम अपनी गाड़ी की फुल स्पीड देंगे, और स्पीड देने के बाद गाइस ये रैंप आस्ते आस्ते हमारा ऊपर करेंगे, और तो इस तरीके से देखो ऊपर हो रहा है, जिससे ज़्यादा स्पीड हम देते रहेंगे अपनी गाड़ी की उतनी तेज़ी से भाई हमारा रैंप ऊपर रहता है और होते रहता है। तो भाई इसको फटाफट से ऊपर करता हूँ, और भाई देखो हमारा टोटली एयरपोर्ट इतना बड़ा ही है, कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा खास नहीं है, इसके अंदर बस ये है कि एक आध प्लेन जो है लैंड कर सकते हैं आराम से, और इसके अलावा अगर हम फ्लाई करना चाहें तो एक ही प्लेन जो हम फ्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास अगर कोई एरोप्लेन हम परचेज़ भी कर ले तो यहाँ पर एक या दो से ज़्यादा जो है प्लेन को परचेज़ यानी कि खड़ी करने की जगह नहीं है। तो ये एक गैरेज दिया हुआ जिसके अंदर हमने अपनी इस गाड़ी को यानी कि किसी को या छोटे कोई प्लेन को हम इस जगह पर खड़ा कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर तो भाई हमारा पर्सनली है जो यहाँ पर खड़े रहता है अक्सर,
और अभी भाई फटाफट से हमने पूरे रैंप को बंद कर लिया, तकरीबन ये हमारा पूरा रैंप बंद हो गया। और अब फटाफट से अभी हम इसको लेके निकलते हैं और सीधा जाते हैं हमारी जो है नया हाउस के ऊपर। अभी हमने पुराना हाउस तो मेरा देख लिया होगा और अभी नया हाउस भी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। और नया हाउस आप सभी को इसकी लोकेशन मालूम भी होगी, नहीं मालूम तो चलो मैं आपको अभी मैप के अंदर से लगा के फिर इसको मैं दिखाता हूँ कि भाई हमारी नई लोकेशन कहाँ पर है। तो चलो भाई यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ। भाई यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, अगर हम यहाँ से भाई चेक करते देखो ये है हमारा पुराना हाउस और इसके अलावा नया हाउस हमारा इस जगह पर यानी कि बिल्कुल नई सिटी के अंदर है। तो भाई यहाँ पर हम इतनी दूर हमें सफ़र करके जाना पड़ेगा। तो गाइस फटाफट से निकलते हैं और भाई इसको चलाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। देखो पीछे इतना बड़ा ट्राला और सामने से हम इसको चला रहे हैं, ड्राइव करने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंजॉय करने के अंदर मेरे को। और अभी यहाँ से भाई लेकर जाते हैं और देखते हैं भाई क्या रिएक्शन होने वाला अभी हमारा भाई इसको पूरी गाड़ी को ड्राइव करने का। अभी तक का हमने इतना ज़्यादा हेवी जो है कोई भी चीज़ लोड करके नहीं चलाई। ओ भाई साहब दिखाने के चक्कर में यार बोर्ड के अंदर ही दे दी पूरी गाड़ी। अबे यार ये क्या सीन है साला। गाइस अगर अब हम इसको गाड़ियों को अगर हम इसको बांधते नहीं ना, यानी कि जैसे अभी हमने बटन दबा के इसको हमने फिट करा है, तो ये इससे क्या होंगे कि इसका टायर फिट होगा। अब ये टायर हिलेंगे नहीं तो इसलिए हमारी गाड़ी कोई भी अब गिरेगी नहीं। ओ तेरी भाई साहब बातों के चक्कर के अंदर यार पूरी गाड़ी की बैंड बजा दी हमने। तो गाइस अगर हम इसको बांधते नहीं अब तक तो कब की गिर जानी थी जितनी स्पीड के अंदर ठुकरी है ना। तो इसलिए इसको भाई इसको टायरों को जो है इसको फिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप फिट नहीं करेंगे तो बड़ी स्पीड से नीचे की गिरेंगे, हमारी सारी गाड़ियों का नुकसान हो जाएगा। तो गाइस अभी हम यहाँ से लेकर जाते हैं इसको जल्दी से, और काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई यहाँ से अभी भी जो है ना 3.5 किलोमीटर दूर है। और 3.5 किलोमीटर भाई लगता है इसी है लेकिन होता बहुत ही ज़्यादा दूर ही है। तो इसको अभी ड्राइव करके लेकर जाना कोई आसान बात नहीं है, अभी फटाफट से इसको लेकर जाते हैं। और अभी सीधा हाईवे पर चल रहे हैं अभी, तो भाई हाईवे के ऊपर जाने का और ज़्यादा मज़ा है। अगर अगर कोई यहाँ पर कोई पतली गलियाँ होती ना तो उसके अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी। शुक्र है सीधा अभी हाईवे वाला रोड है तो आराम से हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और अभी हमारे ट्रक की स्पीड भी हमने फुल दी हुई, लेकिन इसकी पूरी स्पीड भी जो है ना 126 या 130 तक ही जाएगी, क्योंकि अभी 27 चल रही है, ज़्यादा ज़्यादा 30 हो जाएगी इसके बाद, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती भाई। अगर इसकी स्पीड और तेज़ होती ना तो अच्छा, इसकी स्पीड जो है ना इन लोगों ने खुद ही ने ट्रक की सीलो रखी हुई होगी, क्योंकि अगर तेज़ स्पीड के अंदर हो ना ट्रक तो इसको इन लोगों का यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान हो सकता है भाई। स्पीड तेज़ करने का मसला नहीं है, देखो भाई 36 तक 37 तक तो चली गई है, हो सकता है 40 तक चल जाए आराम से। अभी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चली है और ज़बरदस्त भाई 42 भी चल गई है। अगर ये तेज़ स्पीड में हो ना होगा ठुके तो सारी गाड़ियों का नुकसान हो जाएगा, एक साथ जो है ना आपस में टकराएंगी और सारी गाड़ियों पे महंगे डंट आने वाले हैं। तो इसलिए इन लोगों ने स्पीड की एक लिमिट रखी हुई है इसके अंदर। ओ भाई ओ सिलो सिलो भाई यहाँ से कट मारते हुए निकालूंगा, कट मारा तेज साइड में हो जाए, साइड में हो जाए तेज में, तू भी साइड में हो जाए यार। गाड़ी यार कैसे लेयर मार रही है भाई, इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हैवी लग रहा है मेरे को। गाड़ी या लेयर बड़ी स्पीड के अंदर मार रही है, आगे से हम कब जाके मोड़ रहे तो पीछे से कब जाके मोड़ रही है यार। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होला रहा यार ये हमारा अभी तक का सबसे बड़ा ट्रायल अभी तक हमने अभी चलाया है। और इससे पहले हाँ जब हमने माइकल की डिलीवरी करवाई थी जब भी हमने चलाया था, लेकिन वो माइकल ने ड्राइव करा था, वो भाई यहाँ से लेके जाना है ना शायद। ओ तेरी भाई साहब डिसाइड ही नहीं कर पाते जाना किस जगह से यार, भाई यहीं से निकल लेते हैं यार। इस साल आप उसको मोड़ के ऊपर चढ़ाना पड़ता है, हमें आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि भाई जाना नीचे से या ऊपर की तरफ से जाना है, क्योंकि पुल जो है ना लाइन से बहुत सारे बनाए हैं इन लोगों ने। और अभी मेरे को मैप के अंदर से पता नहीं चलता है कि भाई याले ऊपर पुल पे चढ़ना है नीचे पुल पे चढ़ना, साला यही नहीं पता चल रहा होता हमें। तो भाई अभी यहाँ से अभी हम ओ ज़्यादा कर जाना, ओ सिलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बच गया बच गया। ये भाई ये टूटेगा ठीक है, ये तो टूटना ही था भाई इसको। तो फटाफट से अभी हम यहाँ से निकलते हैं, और कोई तो नहीं है ना सामने। अबे यार नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी मेरे को। चलो भाई ऐसे ड्राइव करते हैं, अब ऐसे ड्राइव करके लेकर जाएंगे क्योंकि वैसे तो मेरे को नज़र आ नहीं रही है। तो भाई यहाँ से मेरे को राइट साइड पर मोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे सॉरी मोड़ना इसको पड़ेगा, कि लेफ्ट साइड का जो रास्ता है वो जा रहा सीधा अभी हमारे हाउस के ऊपर। और भाई यहाँ से हट जा भाई, क्योंकि अगर हम इसको अगर इस तरीके से ड्राइव नहीं करेंगे तो हमें सामने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इसको। भाई राइट साइड भाई राइट पर जाना है, राइट पर आना है। तो भाई यहाँ से देखते हैं कितनी ज़्यादा दूर है, क्या अभी थोड़े दूर है और काफ़ी ज़्यादा भाई टेढ़े मेढ़े रास्ते नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ से अगर हम जाएंगे फिर इसको यूँ मोड़ेंगे फिर ऐसे मोड़ के भाई काफ़ी ज़्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, इन सारे रास्तों के ऊपर से भाई ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। देखो भाई कितना लंबा अभी भी रास्ता बचा है। तो भाई यार ये सीन बड़ा खतरनाक है, अभी फटाफट से यार फिर स्टार्ट करते हैं यार, रास्ते बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। देखो पूरा भाई जिगजैग बना पड़ा पूरे रास्ते का ना, अभी राइट लेफ्ट साइड पर इस साइड से लेंगे, सिलो 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 भाई सिलो, बच गया भाई बच गया। तो ठीक है भाई यहाँ से इतनी ड्राइव तो हमने इस तरीके से करी है, अब इसको यहाँ से लेकर जाएंगे। भाई गोल्ड की कार देखो यार कैसे चमक चमा रही है यार, हमारी बिल्कुल चमक रही है, 0 मीटर हो रही आ रही है तो एकदम, और 0 मीटर होगी भी क्यों नहीं यार, है ही 0 मीटर ये भाई, पूरी गोल्ड की इसकी बॉडी बनी हुई है। इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा भाई होंगे इसके, अभी तो हमें प्राइस भी नहीं पता चल रहा ना कितनी है भाई, माइकल ने ला के दी हमें तो फ्री की पड़ गई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं पड़ा। पहले इन लोगों ने चोरी का इल्ज़ाम डाल दिया और रोबरी का इल्ज़ाम डाल दिया, लेकिन उसके बदले हमें जो मिला है ना काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ें मिली हैं।
तो भाई ऐसे दो चार सीन और हो जाए ना तो काफी ज्यादा एंजॉय करने को मिल जाए। एक दो रोबरी और करे माइकल, आइंदा उम्मीद है कि मैं माइकल जो है ऐसे नाम नहीं डालेगा किसी के ऊपर कि भाई तूने भाई ट्रेवर ने चोरी करी थी यार इसको पकड़ लो ये वो फलान दिमाग अब नहीं डालेगा। माइकल को पता बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा अगर ये काम जो है ना भाई। वैसे तो माइकल खुद भी हरामी है लेकिन माइकल से ज्यादा जो है ना ट्रेवर हरामी है। ट्रेवर सीधा जो है ना धमकी हमकी देता है और इनको लोगों को लड़ता है और भाई सीधा अपनी जो है ना फरमाइश करने लग जाता है यार मेरे को अब ये गाड़ियाँ चाहिए ना तेरे को जिंदगी से उड़ा दूंगा मैं। अबे यार कौन सी जगह पर आ गया है, सिटी के अंदर जो है ना ये चक्कर रहता है, ये शहरों के अंदर छोटे छोटे रोड होते हैं गाड़ियों की जो है ना स्पीडें ज़्यादा होती हैं और चलती भी बहुत हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ ना हाईवे सही है, हाईवे के ऊपर सीधा भगाते हुए लेके जाओ कुत्ते की स्पीड से। हाईवे पे स्पीड हमारी चल रही थी 140 और यहाँ पे स्पीड देखो यार बहुत ही ज़्यादा कम है, यहाँ पर 60 की स्पीड आधी से भी कम हो गई है हमारी स्पीड, इतनी स्लो चलाना पड़ता है यहाँ पे हमें। तो कहें यहाँ पर अभी हम आ गया हमारा घर और ये देखो ये जो दो बंदे खड़े हैं ये भी हमारे घर के बंदे खड़े हुए हैं। तो ये देखो ये हमारा पूरा घर है और घर हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, स्काई ब्लू कलर का जो खड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो पार्किंग एरिया है तो ये हमारा जो घर के अंदर जितनी भी कारें वगैरह आती हैं तो वो सारे लोग यहाँ पे पार्किंग करते हैं, तो इसी घर का पार्किंग एरिया ये वाला है। तो गाइस यहाँ पर अभी हम इसको ट्रक को लेकर जाते हैं, सारी पार्क अभी इधर ही करने वाले हैं क्योंकि अभी हमारे पास जो शोरूम है ना वो अंदर की तरफ बना हुआ जो हमारा स्काई ब्लू घर है तो यहाँ से उतार के हम सीधा लेकर जाएंगे क्योंकि रोड के ऊपर इस ट्रालर को मैं खड़ा नहीं कर सकता भाई, ट्रैफिक जाम हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा भाई इसको फटाफट से उतारूँगा और भाई उतारने का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को यार। ये देखो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमारी भाई कार कलेक्शन आ गया और लोग अब यहाँ से देखेंगे ना तो लोग भी खुश हो जाएंगे भाई क्या सुपर कार कलेक्शन आया इन लोगों के पास, सारी लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ एक भी दूसरी नहीं है। तो भाई अब मैं इसका रैंप को खोलूँगा और भाई यहाँ से सीधा एक एक करके कार उतार के लेके जाऊँगा सीधा अपने शोरूम के अंदर और भाई ये काम करना मेरे लिए जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और जल्दी से मैंने अपना रैंप खोल लिया और अभी ऊपर से भी मैं इसको रिलीज़ करता हूँ मैं, पहले तो मेरे को नीचे की गाड़ियाँ निकालनी पड़ेंगी, अगर ऊपर की निकाल दूंगा ना नीचे की गाड़ियाँ टूट जाएंगी साली जो है ना। तो भाई चलते हैं और अभी एक एक करके गाड़ी को उतारते हैं और उतारने का काम जो है मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता है भाई। यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई ये तो आसानी से उतरेगी नहीं, मेरे को साइड रैंप भी खोलने पड़ेंगे यार, ये साला चक्कर बड़ा ख़राब है। तो ये देखो भाई यहाँ से तो जा नहीं सकता, कोशिश कर लेता हूँ भाई, कोशिश करने के पैसे नहीं लग रहे, यहाँ से तो साला जा नहीं सकता। ये देखो रास्ता कोई भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही मेरे को। तो ये देखो भाई यहाँ से कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, अबे शिट यार साइड रैंप भी खोलना पड़ेंगे और ये गाड़ियों को, अबे इन गाड़ियों को देख कर जल गई क्या मेरी गाड़ियाँ, अबे मेरी गाड़ियों को देख कर दूसरी गाड़ियों भी जल रही है। अबे भाई साहब ले भाई, ओ भाई यहाँ पे धमाके स्टार्ट हो गए। अबे यार ये क्या सीन है साला, अबे साइड का रैंप खोलना पड़ेगा मेरे को। तो चलो यार ये इसको मैं खोलता रहूँगा और मैं इसको खड़ा कर दूँगा क्योंकि अगर मैं इसको एक एक करके निकालूँगा एक एक करके खड़ा करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो की लेंथ और लंबी हो जाएगी। तो गाइस ये जो वीडियो आज के लिए इतने ही रखते हैं और इसको मैं जल्दी से फटाफट से खुद ही खोल के मैं इसको सेव कर लूँगा अपने शोरूम के अंदर। जब मैं अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा मेरी जो गोल्ड कार कलेक्शन है इसको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और कमेंट सेक्शन में याद भी दिलाते रहना कि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी एक आध दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी। तो गाइस मैं कमेंट सेक्शन में और एक दफ़ा बोल देना कि भाई ये गोल्ड कार कलेक्शन अपने शोरूम के अंदर मेरे को ज़रूर दिखाना वरना तो मेरे जहन से निकल जाएगा। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँगा ना मेरे जहन में रहती नहीं है, मैं इसी वीडियो पर ध्यान रखता हूँ। ले भाई साहब यहाँ पे अब गाड़ी की बैंड बज गई यार, ये साला चक्कर कुछ ना कुछ रहता है ये यार, इतनी जल्दी जल्दी काम करना होता है ना तो भाई ये जो है ना साला सीन कुछ ना कुछ पंगा रहता ही है। गाइस आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे।